वंदनीय महाराज जी, आदरणीय संत समाज, देवियों और देवताओं, महाराज जी ने अपने प्रवचन के आखिर में अच्छा भगवान की भी चुटकी ली कि कोई मरने चाहता तो भगवान सोचता मरने दो इसको, फिर क्या किया। भगवान भी मजबूर हो जाता है, भगवान कृष्ण मजबूर पदे पदे हुए, अपने यादव वंश को बचाना चाहिए, नहीं बचा पाए। इसी पर कहानी आती है याद, शांति पर्व की। श्री कृष्ण महाराज 119 वर्ष के हो चुके होंगे, उससे कुछ ऊपर, तो गृह कला से काफ़ी असंतुष्ट थे। नारद के पास गए, कहे महाराज मैं गृह कला से बहुत पीड़ित हूँ, मेरे बड़े भाई बलराम इस उम्र में भी घमंड करते हैं, छोटे भाई गद हैं वे बड़े सुकुमार बनते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, बड़ा लड़का मेरा प्रद्युम्न है वो अपने सौंदर्य के मोह में ही छका रहता है, हरदम मुछे मड़ोड़ता रहता है, मेरे घर में आहुक और अक्रूर ये दो बड़ी बुद्धिमान हैं। आहुक थे वृषवंशी और अक्रूर थे अंधक वंशी, यादव वंश में कई शाखा वंश था और सब मिलाकर के यादव वंश, लेकिन वृषण और अंधक ये दोनों प्रबल थे। महाराज कृष्ण वृषवंशी थे इसलिए उनको वार्ष्णेय भी कहा जाता है। तो कहा महाराज आहुक और अक्रूर ये दोनों आपस में इतना लड़ते हैं कि मेरे नाको दम किए रहते हैं। अंधक वंशी अक्रूर और वृषवंशी आहुक ये दोनों वंशों के तरफ से लोकसभा भवन में प्रतिनिधित्व करते थे अपनी अपनी पार्टी का द्वारिका में, और जो कटी कटी बात कहते थे, आप महाभारत पढ़ें तो लगता है जैसे आज का संसद भवन है। जो लोग कहते पहले सब अच्छा था आज खराब है, आगे और खराब आएगा, भ्रम है। पहले भी अच्छा खराब था, आज भी अच्छा खराब है, आगे भी अच्छा खराब आएगा। तो महाराज आहुक और अक्रूर जैसे लड़ते हैं आपस में, मेरी दशा वैसे है जैसे किसी माँ के दो बच्चे हों और वह जुआ खेलते हों आपस में, माता चाहती हो कि एक जीत जाए और दूसरा ना हारे, वही दशा मेरी है। इन दोनों में मैं पिसता हूँ, जितना भोग पदार्थ मुझे मिलता है आधा छोड़ देता हूँ परिवार के लिए, किसी पर शासन नहीं करता हूँ। लेकिन महाराज तो भी लोगों का मुंह सीधा नहीं रहता, टेढ़ा रहता है, ये परिवार को मैं कैसे चलाऊं, पीड़ित हूं, आपके पास आया हूं। अपनी गुप्त बात उससे नहीं कहना चाहिए जो समझदार न हो, समझदार होते हुए भी मित्र न हो तो भी नहीं कहना चाहिए, समझदार हो मित्र हो लेकिन आत्मसंयमी न हो तो भी नहीं कहना चाहिए। महाराज आप मेरे मित्र हैं, आत्मसंयमी हैं, समझदार हैं, इसलिए कह रहा हूँ, कृपया बताइए मैं क्या करूँ। तो नारद जी ने कबीरी भाषा बोली, कबीरी भाषा खर खर भाषा। भले तब कबीर नाम नहीं था लेकिन कबीरी भाषा बोली, कहा महाराज एक दुख ऊपर से आता है, एक दुख भीतर से आता है, आपका दुख भीतर से आया। जैसे हम लोग बैठे हैं, जोर से आंधी आवे और कोई लकड़ी आकर के किसी के सिर पर गिर पड़े तो ऊपर से आया दुख है, लेकिन हमने किसी को गाली दी और उसने मुझे चाटे मारा, ये भीतर का दुख है, मेरा दोष है, सीधा दोष है। और लकड़ी मेरे ऊपर गिरी, सीधा दोष नहीं है,
हम कर्म सिद्धांत अनुसार मानेंगे कि किसी जन्म का पाप होगा, लेकिन प्रत्यक्ष में सीधा दोष नहीं, तो ये ऊपर का दुख है। अब अपने तरफ से गलती होती है तो जो उसका परिणाम होता है वो भीतर का है महाराज, आपका भीतर का है। आप जन्म से ही सोटा डंडा हाथ में लिए मारपीट करते रहे, कंस मामा को पहले मारना पड़ा आपको, और फिर तो जो श्रृंखला चली जरासंध से लड़ाई, मैंने कहा था पिछले दिन कि कंस की जो पत्नियां थीं अस्ति और प्राप्ति, वे जरासंध की पुत्रियां थीं, और जरासंध मगध नरेश महाप्रतापवान, उसने हमला किया। तो महाराज आप डंडा सोटा शुरू से लिए मारपीट करने लगे, अपने बच्चों को ही मारना सिखाए। अब भारत की सारी लड़ाइयां खत्म हैं तो बच्चे लड़े कहाँ, लड़ने की आदत है। अब इतनी आदत हो गई है बच्चों में लड़ने की कि वे कहाँ लड़ें, तो आपस में लड़ते हैं। जो अपने परिवार में समाज में पार्टी में लड़ना सिखाएगा वो पहले दूसरे से लड़ेंगे फिर आपस में लड़ेंगे। तो महाराज देखिए तीन बात मैं बताता हूँ। एक तो मीठा वचन बोलिए, और दूसरा मन देख करके काम लीजिए, और तीसरा धन का बंटवारा निष्पक्षता से कीजिए। ये केवल श्री कृष्ण महाराज के लिए ही नहीं, हमारे और आपके लिए भी है। किसी माध्यम से, चाहे कहानी बनाई गई हो, चाहे सत्य घटना हो, चाहे जो हो, पुराणों में काव्यों में जो लिखा है उसमें बहुत काम की चीज़ें हम लोगों के लिए हैं। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें जगाने के लिए। रूप गोस्वामी जो अनन्य कृष्ण भक्त थे, उन्होंने कहा यदुपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतो उत्तर कोशला, इत विचिंत मन कुरसु स्थिरम नस दिदम जगत तेवधारे। यद्यपि श्री कृष्ण महाराज का मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया, द्वारिका का ऐश्वर्य कहाँ गया, रघुपत श्री रामचंद्र जी का उत्तर कौशल अयोध्या का ऐश्वर्य कहाँ गया, आप लोग बिचारे हैं आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, यहाँ सब कुछ नश्वर है। तो महाराज धन का बंटवारा ठीक ठीक कीजिएगा, पक्षपात न हो, कोमल वाणी बोलिएगा। फिर उन्होंने कहा अनायसेन शस्त्रेण मृदना हृदय छिदा जिह्वा मुद्धर सर्वेशां परमृज्जान मृज्य च। अनायस का शस्त्र बनवाओ, आयस कहते हैं लोहा को, ऐसी तलवार बनवाओ जो लोहे से न बनी हो, और उसको तेज कर लो परमृज्जान मृज्य च, परिमार्जन अनुमार्जन करके खूब तेज करके, जिह्वा मुद्धर सर्वेशां, अपने परिवार के लोगों की जीव को काट लो। ये अलंकारिक भाषा में कहा गया। लोहे की तलवार नहीं, कौन सी तलवार फिर वो है, वो मीठ वाणी है, और इसका अनुमार्जन परिमार्जन कर लो, यानी खूब कोमल खूब विनम्र बना लो। ऐसी वाणी बोलो जिसमें अहंकार ना हो, मिठास भरी हो। ऐसी वाणी रूपी तलवार से अपने परिवार के लोगों की जबान काट लो। अगर आपका लड़का कड़ा बोल दिया है, अब आपने कहा बेटा कोई बात नहीं तुम ठीक कहते हो, तो बेचारा वैसे अधमरा हो जाएगा और कुछ बोल पाएगा, चुप हो जाएगा। पत्नी ने कड़ा कह दिया, अब आप चुप रहे, या बोले तो मीठ बोल दिए, तो उसके ऊपर हजारों घड़ा पानी पड़ जाएगा, अपने आप ठंडी हो जाएगी। कितना बढ़िया उपदेश है, लगता है आज की घटना घट रही, जो आवश्यकता आज है वही तब थी। मीठा वचन बोलें, धन का बंटवारा निष्पक्ष हो। अपने बच्चे के लिए बड़ा मोह होता है, बाहर से मिठाई लाए
तो चुपके से अपने बच्चे को दे दिए, भतीजे को नहीं, पत्नी को दे दिए, भाभी को नहीं, माता को नहीं। एक सज्जन 65 वर्ष के मुझसे मिलने आए, मैं इलाहाबाद आश्रम में था, बातचीत होने लगी। कहे महाराज, हमारे पिताजी चुपके से मिठाई लाते हैं और हमारी माता को देते हैं, और माता मिठाई खा खा के बीमार रहती है, महाराज क्या उपाय करूं। 65 वर्ष के वो खुद थे, और उनके पिता कितनी उम्र के रहे होंगे आप स्वयं सोचो। वो कहते थे कि बाजार से मिठाई लाके मेरी माता को देते हैं, वो बुढ़िया और जीभ रोक नहीं पाती, वो खाती बीमार रहती है। ये मोह। तो भाई, धन का उचित बंटवारा, छोटे बच्चे से बहुत मोह हुआ करता है, क्योंकि बड़ा बच्चा तो बड़ा बदमाश निकल गया है, छोटा बच्चा यही प्रेम कर सकता है। लेकिन समझ लो, छोटा भी जब बड़ा होगा तो भी बदमाश निकलेगा। आप बदमाश मानते हो, मानो मत बदमाश। बड़े लड़के की शादी हो गई, पत्नी आ गई, दो मन ढोना पड़ रहा है बेचारे को, क्षमा करो उसको, दया करो, और बराबर भाव रखो दोनों पर, छोटा बड़ा कुछ नहीं। तो निष्पक्ष धन बंटवारा करो और मन देख करके काम लो। किसी का मन काम करने की नहीं है तो जबरदस्ती न करो। कभी अपवाद हो सकता है, बड़ी जरूरी है, तो जोर से लगाना पड़े साथियों को काम में। अधिकतर तो ये चाहिए कि अगर साथी किसी समय काम नहीं करना चाहता है तो जबरदस्ती न करें, उस समय से फिर दुगना काम कर देगा। उन्होंने कहा, महाराज आपके रहते हुए यादव वंश का विनाश न हो, भेदात विनाशा संघानाम संघो संघ मुख्य वसिकेशो यथा त्वाम प्राप्त नोत्सीदेत अयम संघस्तथा कुरु। आपके रहते हुए ये संघ का विनाश ना हो, संघ में फूट पड़ेगी तो संघ विनष्ट होगा। बलवान बैल भरी गाड़ी ऊंच नीच जमीन में खींच सकते हैं, निर्बल बैल नहीं खींच सकते। आप बलवान और आपकी गाड़ी भरी है, बड़ा लंबा परिवार है, और जमीन उबड़ खाबड़ हो गई, परिवार के लोग बड़ा व्यवस्थित हो गए, आप इस गाड़ी को खींच सकते हैं। बहुत कुछ उन्होंने कहा, जलीकटी नारद जी ने खूब कहा, बेदर्द होकर। श्री कृष्ण महाराज ने कहा, महाराज आपने तो घाव पर नमक छिड़का है, सीधी सीधी खरी खरी बात कही है, मेरे कल्याण के लिए गए होंगे, प्रयास किए होंगे, सफलता नहीं हुई। आप जानते हैं द्वारिका में पूरा यदुवंश कट के मर गया। तो महाराज ने अगर भगवान की चुटकी ली तो क्या बुरा किया, मरना चाहते मरो तुम लोग। जब कोई अपना कल्याण नहीं करना चाहेगा तो भगवान हो, गुरु हो, क्या करेगा। अपना कल्याण करने के लिए हमें स्वयं तत्पर होना होगा। सबकी कृपा है, गुरु की कृपा है, बोध देते हैं, संत की कृपा है, सदरहनी बताते हैं, शास्त्र की कृपा है, सब उपलब्ध है, पढ़ो। आकाशी भगवान की कृपा आप चाहते हो तो क्या वो कृपा कम है। आप बैठे हैं, चारों तरफ से हवा आ रही, इतनी बड़ी जमीन है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सबके नाम से नहीं लिखा है, और सब लाभ ले रहे हैं। सूरज चमक रहा है, इतना प्रकाश दे रहा है, आप बल्ब बत्ती सब बहुत लगा दे तो थोड़ा सा प्रकाश आता है, सूरज चमक रहा है, पूरा विश्व ब्रह्मांड आपके लिए हाथ जोड़े खड़ा है सेवा में। कौन सी कृपा चाहिए भगवान की बाकी आपके ऊपर। अपनी कृपा अब अपने ऊपर करो, जो अवशेष कृपा है अपनी कृपा है। अपनी कृपा हम नहीं करते हैं इसलिए सब कृपा निरर्थक हो जाती है। बाहर की कृपा कितना कोई करेगा,
कोई मुख में किसी के ग्रास डाल दे, लेकिन जिसके मुख में डाला जाएगा उसी को निगलना पड़ेगा। स्वामी शंकराचार्य ने लिखा है विवेक चूड़ामणि में कि हमारे सिर का बोझा कोई दूसरा ले सकता है, लेकिन हमारे वो बंधनों को दूसरा नहीं काट सकता है। जब हम भोजन करेंगे तब तृप्त होंगे, जब दवाई खाएंगे तो रोग दूर होगा, दूसरे के खाने से नहीं। दूसरा इसमें कर ही नहीं सकता, और ये तो सार्वभौमिक बात है, हम आप सब जान सकते हैं। अपने कल्याण के लिए उठ खड़े हो। कल्याण क्या है? शांत, परम शांत की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति, जिसमें दुख नाम की चीज न हो। और दुनिया के जितने ऐश्वर्य हैं सब में दुख है। जे घर जिता बधावना ते घर तेता सो, ये साहेब की आधी साखी है। जिस घर में जितना जितनी गामा गामी है उस घर में उतना शोक है। ऐश्वर्य शोक लेकर के आता है, दुख लेके आता है, सारा संयोग वियोग के रूप में बदलता है। जो चुने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए, जितनी चीजें होती हैं सब बिगड़ती। इसलिए दुनिया के ऐश्वर्य में वह सुख नहीं मिल सकता है जो अनंत है, निर्भय है। पदार्थ जनित सुख भय से भरा। सुबह मुझे संदेश मिला कि छिंदवाड़ा में हमारे एक भक्त थे, उनका हार्ट अटैक हो गया। अटैक ही नहीं हो गया, फेल हो गए। घर वाले व्याकुल हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मिलाओ, बात किया। उनकी पत्नी उठाई, दृढ़ थी। मैंने कहा दृढ़ रहो, ये घटना संसार में निरंतर घटती है। निकट में घटती है तो लगता है ज़्यादा, दूर घटती है तो औपचारिक हम खेद प्रकट करते हैं। जो चला गया तो लौट नहीं सकता है। जितना व्याकुल होगे उतनी शक्ति नष्ट होगी, बच्चों को भी संभाल नहीं पाओगी। इसलिए बिल्कुल निर्भय रहो, दृढ़ रहो, भावुक न बनना। सेवा मुक्त थे, अभी अभी अधिवेशन में इलाहाबाद गए थे परिवार सहित। धारणे जी, धारणे उनका सरनेम, हमारे अनन्य भक्त थे। कहे बस चार पाँच मिनट में ख़त्म हो गए। सदगुरु कबीर ने कहा है, दस द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौल, रहबे को अचरज है जात अचंभो को। दस दरवाजे का पिंजरा ये शरीर, दो आँख दो नाक दो कान, छे हो गए। मुख साथ टट्टी पेशाब की जगह नौ, और कपाल कुहर सिर के ऊपर एक छेद माना है, ये दस। दस द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौध, दस दरवाजे का पिंजरा हो और सब दरवाजे खुले हो और उसमें पक्षी बैठा हो, और 10 बरस 20 बरस 50 बरस 100 बरस बैठा रहे तो आश्चर्य होगा, उड़ता कैसे नहीं। शरीर ऐसे है, खुले दरवाजे तो 10 ज़्यादा खुले को कहा गया, असंख्य दरवाजे इसमें। जीव के निकलने के लिए दरवाजा बहुत बड़ा थोड़े चाहिए। आश्चर्य है कि इसमें बहुत दिन तक रहता है, जाने में कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। अपनी बुरिया बिस्तर को पहले से बांध के तैयार रहना चाहिए। अपने मन को हमें केंद्रित करना चाहिए आत्मा में। श्री रामराज साहब ने पंचग्रंथी में कहा, संत सदा सोई परमानिक, जो निज घर की सुध पाए। वही संत सदैव प्रामाणिक हैं जिन्होंने अपने घर की सुध पाई हो। अपना घर आत्मा, अपने आप में लौट आना बड़ा सरल साधन है। मन को समेटो, अपने में डूब जाओ। लोग कहते हैं सगुण उपासना सरल है, निर्गुण बड़ा कठिन है, लेकिन सगुण उपासक गोस्वामी तुलसीदास जी
ये नहीं मानते। वे कहते हैं मानस में, निर्गुण रूप सुगम अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुन मुनिमन ब्रह्म होय। निर्गुण उपासना बहुत सुगम है, अति सुगम है। सुगम कहते हैं और अति विशेषण लगाते हैं, निर्गुण रूप सुगम अति। निर्गुण उपासना अत्यंत सरल है और सगुण जान नहीं कोई, सगुण को तो कोई जान ही नहीं पाता है। गोस्वामी जी उसको असंभव कह देते हैं। सुगम अगम नाना चरित सुन मुनिमन ब्रह्म होए, सगुण उपासना के विषय में वो तर्क देते हैं कि क्यों असंभव है, क्योंकि सगुण भगवानों के चरित्र कुछ तो सुगम है और कुछ अगम है। तो ये सुन करके मुनियों के मन में भ्रम हो जाता, फिर साधारण आदमी क्या कहा जाए। ये स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं, मान लो श्री राम घर त्याग दिए और जंगल चले गए, ये सुगम चरित्र। माता पिता की बात माने, भाई को गद्दी दे दिए, छोड़ दिए उनके लिए, त्याग की बात सब समझ सकते हैं, बहुत अच्छा काम है। लेकिन उन्होंने सुपर्णरेखा का नाक कान कटवा दिया, ये समझ में नहीं आता। मान लो लड़ रही थी तो एक दो डंडा पिटवा देते, खदरवा के भगवा देते, नाक कान काटना, दुर्जन व्यक्ति भी किसी अवला का नाक कान नहीं काटता। कोई लड़की आपसे शादी करना चाहे, न शादी करो कि नाक कान काट लो। तो भगवान राम नाक कान कटवाते हैं, समझ में नहीं आता है। सीता जी की परीक्षा हो चुकी है फिर भी निकाल देते हैं। एक ही बात नहीं है, वाली को छिप करके मारते हैं, न नीति है ये न धर्म है। तो सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि मन ब्रह्म होए, सगुण भगवानों में श्रद्धा ही नहीं जमती है। श्री कृष्ण महाराज के विषय में तो बहुत कुछ जानते हो आप, छलिया तक उनको कहा जाता है, जो चोरों का सरदार उनके भगत लोग ही कहते हैं, चोरों के सरदार। अद्वैत वीथि पथिकार पथिकैर उपास्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधू विटेन। ये मधुसूदन सरस्वती का वचन है, जो प्रकांड पंडित थे, वेदांती थे और कृष्ण के अनन्य भक्त थे, नदिया जिला बंगाल के रहने वाले लेकिन काशी वास करते थे, सन्यासी थे, जिनका प्रस्थान भेद गीता पर भाष्य संस्कृत जगत में मधुसूदन सरस्वती बहुत प्रसिद्ध है और राचरण संपन्न वैराग्यवान थे। वे क्या कहते हैं, अद्वैत वीथि पथिकैर उपास्या, अद्वैत पथ के पथिक मेरी उपासना करते हैं। यानी वेदांती साधक मुझे पूज्य मानते, स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा, मैं आत्मज्ञान को प्राप्त करके स्वरूप स्थित के स्वराज सिंहासन पर आसीन हूँ, लेकिन क्या करूँ, सठेन के नापि वयम हठेन, कोई एक सठ है, के नापि कोई सठेन एक सठ है, सठेन के नापि वयम हमें हठेना हठपूर्वक दासी कृता गुलाम बना लिया है। वो कैसा है, गोप वधू बिटेन, अहीरों की पत्नियों को ठगने वाला है। गोप वधू अहीरों की पत्नियों को बिटेना, बिट करना ठगना। मैं स्वराज स्वरूप स्थित के सिंहासन पर आरूढ़ हूँ और वेदांती साधक मेरी सेवा करते हैं, पूजते हैं, लेकिन क्या करूं, अहिरों की पत्नियों को ठगने वाला एक सठ है जो मुझे अपना गुलाम बना दिया। अब क्या भावुकता में क्या क्या कह डाले, श्री कृष्ण महाराज को गाली दे डाले। और ये तो बिल्कुल बेकार है कि वो अहिरों की स्त्रियों को ठगते थे, ये तो झूठी बात है, रासलीला बिल्कुल झूठी है। रासलीला हुई होती महाभारत में क्यों नहीं लिखा गया। श्री कृष्ण महाराज की चर्चा ऋग्वेद के 8वें मंडल के 96वें सूक्त में है, रासलीला तो बात नहीं कही गई। छांदोग्य उपनिषद में उनकी चर्चा है तो नहीं कही गई।
महाभारत में तो 100,000 श्लोक से अधिक है, वहाँ तो नहीं बताई गई। जब श्री कृष्ण महाराज की अग्र पूजा हुई राजसूय यज्ञ में, तब उस समय शिष्यपाल ने जब गाली दी तो उस गाली में ये नहीं कहा कि विलासी हैं और पराई स्त्रियों लेके नाचते हैं, जबकि उस समय उनकी उम्र 85 रही होगी श्री कृष्ण महाराज की, और रासलीला 10 वर्ष की उम्र में बताते हैं। ये रासलीला बिल्कुल काल्पनिक है और हमारे देश का दुर्भाग्य। यदाचरत श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना, जिस कृष्ण महाराज ने कहा कि श्रेष्ठ पुरुष जो करते हैं इतर लोग वैसे ही करते हैं, तो क्या श्री कृष्ण महाराज ऐसा काम करेंगे? तो लेकिन उनके साथ न मालूम क्या क्या, जो उन्हीं के नहीं, जितने महापुरुष सबको लीलाधारी बना दिया जाता है, और भगत लोग इतना बिगाड़ते हैं कि जौन मन में आता तौन कहते हैं। तो खैर, सगुण भगवान की बात में भक्तों का मन भी डगमगाता है कि इनको क्या माने, पूजें कि न पूजें। जितने सगुण भगवान होते हैं उनमें गुण दोष सारे होते हैं। अब वो दोष भगत लोग भले लीला का हैं लेकिन बात जमती नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, निर्गुण रूप सुगम अति, सगुण जान नहीं को, सगुण को कोई नहीं जान पाता है, इसलिए वो असंभव है, छोड़ो उसका रास्ता, निर्गुण में लगो। क्यों निर्गुण में सरल है? निर्गुण भीतर है, मन समेटो, आत्मलीन हो गए, बस कुछ नहीं करना है। हाँ, अब मन समेटने में मेहनत है, क्योंकि आदत है बाहर वासु की, इसकी बाहर भागता है, विषय वासना की जो आसक्ति, इसलिए भागता है, उसको तोड़ो। विषय वासना की जितनी निवृत्ति होगी मन अंतर्मुख होगा, अंतर्मुख होगा निर्गुण भगवान में लगेगा। इसलिए निर्गुण भक्ति सरल है, सगुण भक्ति कठिन है, ये गोस्वामी जी महाराज अपने श्रीमुख से कहते हैं। इसलिए किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कठिन है, ये तो गोस्वामी जी ने कहा, लेकिन किसी की कही हुई बात पर स्वयं आपको भी विवेक करने की जरूरत है कि सगुण उपासना की एक सीमा है। आप किसी महापुरुष के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उसके चित्र को मन में ले करके मन निगृहित करें, बुरा नहीं है, अच्छा, लेकिन वो एक दर्जे तक है। जहाँ मन अमन हो जाता है वहाँ क्या रहता है? मैं आपको कहूँ, सब ध्यान करो, यहाँ कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई कबीर का, कोई बुद्ध का, कोई शिव का, कोई और किसी का चित्र लेके मन ध्यान करने लगा। फिर मैंने कहा, आप सारे विचारों को छोड़ दें, वृत्त शांत हो जाना चाहिए, बिल्कुल वृत्त रहित स्थित हो जाए। और मान लो सब ने सारी वृत्तियों का लय कर दिया, तब वहाँ क्या रहा? न राम, न कृष्ण, न कबीर, न बुद्ध, न कोई। वृत्ति में ही सब प्रतिबिंबित थे, मन में ही सब प्रतिबिंबित थे, मन में ही सारी सगुण उपासनाएं होती हैं। और जहाँ मन लीन हुआ वहाँ अमन हो गया, वहाँ सारा सगुण समाप्त, वहाँ निर्गुण अवस्था आ गई, शुद्ध अवस्था। और उसी में सबको पहुँचना है, वो कोई मत नहीं है, सगुण का तो मत होता है, इस मत से चलो, उस मत से चलो, उस मत से चलो, जिस मत में आपको पसंद हो उस मत से चलो, कोई बात नहीं, लेकिन पहुंचना है निर्गुण दशा में। उस दशा में एकता है, हम कबीर पंथी हैं तो कबीर का ध्यान करेंगे, आप राम उपासक है राम का ध्यान करेंगे, कोई शिव उपासक है शिव का ध्यान करेगा, कोई बौद्ध बैठा है वो बुद्ध का ध्यान करेगा। लेकिन जब सबका मन लीन हो जाएगा तब तो कुछ नहीं, शांत निराम, वहाँ न कबीर न बुद्ध न राम न कृष्ण, कुछ नहीं। इसलिए अंतिम पद जो है निर्गुण दशा, उसमें ये सगुण समाप्त हो जाता है। सगुण की उपासना शुरू में है थोड़ा, जिंदगी भर सगुण में लगे रहे तो बस सीढ़ी पर बैठे रहे, छत पर पहुँचे ही नहीं। इसलिए भाई, सगुण से भी आगे निर्गुण की तरफ बढ़ो और अपने को पहचानो, अपने में लौटो। जीवन का परम फल है शांत की प्राप्ति, किसी का कुछ रहेगा नहीं। इसलिए गृहस्थ विरक्त सबको वैराग्यवान होना चाहिए।
जो गृहस्थ लोग हैं धोती कुर्ते फुल पैंट शर्ट इत्यादि में रहें, अपना काम धाम करें, ठीक है। और विरक्त लोग अपनी मर्यादा में रहें, लेकिन दोनों के मन में वैराग जरूरी है, अनासक्ति जरूरी है। दोनों को संसार से जाना है, साधुओं को जाना है, गृहस्थों को यहीं रहना है। सबकी बोरिया बिस्तर बद रही है, सावधान। इसलिए सब निर्मोह बने, एकाएकी रामते की संतन के संग, संतों की संगत करो, सज्जनों की संगत करो, जहाँ अच्छे विचार मिले। नहीं तो एकाएकी राम, अपने राम में लीन हो जाओ, आत्मा में लीन हो जाओ। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।